तो आज की हमारी क्लास में हम वी लुकअप के कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। वी लुकअप का कुछ ट्रिक्स क्या है, कैसे यूज होता है, इनके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल कंडीशंस की, मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम कैसे डेटा लुकअप करें। जैसे कि मान लीजिए हम पूजा यहाँ पुणे में है, या देव मान लीजिए MUZ में है, और नीचे भी देव है जो कि डिसीजन में, मुझे देव डिसीजन की वैल्यू चाहिए, कैसे होगा। तो वी लुकअप में कभी भी आप मोर देन वन क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक कॉलम इंसर्ट करें, उसमें आप एक आईडी क्रिएट करें, मतलब नेम और सिटी को आपस में मिला लें और नीचे तक ड्रैग करने के बाद आप यहां पे लगाए फॉर्मूला वी लुकअप। और वी लुकअप में भी आप जो लुकअप वैल्यू है उसमें भी इसी तरह से आप कॉन्केट करें और फिर डेटा को सेलेक्ट करें इस आईडी से, और आप जो है यहां कॉमा 4,0 करके एंटर प्रेस करें, डेटा आपके सामने आ जाए। ठीक है सर। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ होल्ड करना पड़ा। जी हाँ, यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक कॉलम रखना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉलम ना रखना पड़े, तो इसके दूसरे तरीके भी हैं। देखिए वो वी लुकअप से नहीं होगा, फिर वो मैच और इंडेक्स से होगा या एक्स लुकअप से। तो एक्स लुकअप से कैसे होगा, तो एक्स लुकअप में हमने किया कॉन्केट, अब यहाँ पे एंड पर्सन के साथ डिसीजन ले लिया। उसके बाद लुकअप एरे में हमने क्या किया, इस पूरे रेंज को लिया एन परसेंट, फिर हम सिटी को लेते हैं पूरे रेंज को, फिर कॉमा रिटर्न एरे में हम इसको सेलेक्ट करें, एंटर मारिए, ये रिटर्न आपके सामने बन गया। तो वी लुकअप के माध्यम से आपको क्या करना है, एक नया कॉलम में दोनों को कंबाइन कर देना है। पहला एक्स लुकअप में आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले के अंदर ही दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। हालांकि कर तो वीवी में सकते हैं, लेकिन फिर वो सिर्फ एक मतलब कि सिर्फ ढूंढ के दिखाया कि जिस ने पूजा है या नहीं, वैल्यू नहीं दे, समझ गए सर। जी सर। अब क्वेश्चन नंबर टू पे हम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू में मुझे यहाँ लुकअप कर क्या करना है, लुकअप करना, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे दिल्ली लुकअप करना है, मैं सिटी में, मेरे पास मान लीजिए यहाँ दिल्ली है, बट डेटा में न्यू दिल्ली। तो अगर मैं नॉर्मली वी लुकअप लगाता हूँ तो लुकअप नहीं करेगा, कॉमा 2,0 इन्ने आया। लेकिन अगर आपने डेटा के अंदर स्टार लगा दें तब जाके वो कंटेन्ड हो जाएगा और वो लुकअप कर लेगा। ये हो जाएगा कंटेन बिथ, मतलब कि दिल्ली होना चाहिए, चाहे अकेले हो या किसी के साथ हो, दिल्ली होना चाहिए, लुकअप कर ले। अब बोलेंगे सर मेरे पास तो ऐसे बहुत सारी सिटी है, सब में इस तरह का ये लगाना जरूरी नहीं है। जैसे MUZ है हमारे पास, MUZ जरूरी नहीं है कि मैंने लगा यहाँ पे स्टार लगाए, क्योंकि मान लीजिए ऐसे बहुत सारे सिटी होगा, सब में स्टार लगाना तो पॉसिबल नहीं है ना सर। तो यहाँ हम वी लुकअप के अंदर ही स्टार को क्या कर देंगे, कॉन्केट का डेटा लिए, फिर कॉन्केट और फिर यहाँ पे स्टार एंड कॉमा, हम डेटा को सेलेक्ट कर लिए एंड कॉमा 2,0 रिजल्ट आ गया। तो अगर आप दोनों तरफ स्टार लगा देते, जैसे MUZ हमने दोनों तरफ लगा दिया, ये कहलाता है कंटेंट। अगर मैंने स्टार और MUZ किया, ये बोला जाता है एंड बिथ, क्या बोला जाता है एंड बिथ। अगर हमने MUZ और स्टार्ट कर दिया, उसको बोला जाता है स्टार्ट बिथ, क्या बोला जाता है स्टार्ट बिथ, समझे, समझ में आया आप लोगों को। जी सर। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दो डिजिट का कोड है A9, अब एक कोड कुछ भी हो सकता है,
A9, A1, B1, Z1, Z2, Z7, C7, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब मुझे लुकअप करना है भी कोड क्या, तो यहाँ पे आप करेक्टर के हिसाब से भी लुकअप कर सकते हैं। जस्ट दो बार क्वेश्चन मार्क लगा और फिर डेटा को सेलेक्ट करें, कॉमा 2, 0, 74 आ गया। क्या आ गया? 74। हमने बस दो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाला और कुछ नहीं, क्या डाला? जस्ट 2 क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब बात करते हैं मल्टीपल कैलकुलेशंस। जैसे यहाँ समरी शीट आप देख पा रहे हैं, तो मेरे पास डेटा है Q1, Q2, Q3, Q4, राइट? और सब में एक टोटल दिया हुआ है ना, टोटल दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, सबका टोटल यहाँ लुकअप करना है मेन के लिए। तो वी लुकअप लगाया हमने, Q1 में गए और हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा 5, 0 और A194। अब यहाँ पे फिर वी लुकअप लगाना है, तो फिर मुझे दूसरे शीट पे लिखना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि शीट का नेम तो बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। हमें क्या करना है, बस इसमें जाके शीट का नाम को क्या कर देना, चेंज करके Q2 कर देना, फिर Q3 कर देना। अब तीन चार शीट है तो आप इसको आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन तीन चार से ज्यादा होगा तो एक एक कर लगाना मुश्किल हो जाएगा ना सर। तो इसमें हम एक छोटा सा ट्रिक अपनाएं, हम क्या करेंगे, ये जो Q1 है इसको कर देंगे डिलीट, और इसके जगह पे इस Q1 को सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A से इक्वल कर देंगे, कंबाइंड हो गया। तो ये कंबाइन होकर Q1 A से E बन गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ए एरर देगा। क्यों? क्योंकि ए टेक्स्ट में अगर इसकी फॉर्मूला एवलेट करेंगे तो पता चलेगा कि कर क्या रहा है। जब मैंने फॉर्मूला एवलेट किया तो Q1 मिलके ये मिल गया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा दोनों कंबाइन हो गए, किसमें आ गया, इन्वर्टेड कॉमा। तो एक्सेल इसको रेफरेंस माना ही नहीं, इसको टेक्स्ट माना। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा और फिर इन डायरेक्ट में हम दोनों को कंबाइन करके एंड रिप्लेस करते हैं। अब मैं इजीली आगे की तरफ इसको ड्रैग कर सकता हूं, और नीचे ड्रैग किया तो एरर आ गया, क्योंकि तो ऊपर हमने 1 को फ्रीज नहीं किया। अब नीचे कंट्रोल आर कंट्रोल डी आ गया सर। तो ऐसे अगर मान लीजिए 3, 4, 10 सीट हो तो सीट के नाम से इस तरह से आप धर्म लगा सकते हो, लेकिन यही है कि सब में एक तरह का डेटा होना चाहिए। अलग अलग तरह का डेटा हुआ तो लुकअप नहीं करेगा, समझ गए सर। अब मैं बात करता हूं मल्टी शीट लुकअप की। मेरे पास तीन अलग अलग शीट में डेटा है, मुझे इसका तीनों में से डेटा को कंबाइन करना, क्योंकि तो 8 जो है वो D1 में भी हो सकता है, D2 में हो सकता है, और D3 में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 VLOOKUP लगाना, तो हम कैसे लगा, क्योंकि एक समय तो एक से ज्यादा VLOOKUP नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम इफ एरर का इस्तेमाल करें, इसका इफ एरर का, तो इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें लगाएंगे कि भाई सेलेक्ट करेंगे वैल्यू। यहाँ पे पहला सेलेक्ट करेंगे VLOOKUP, एक VLOOKUP इसको लिया हमने, और Data1 में गए, इसको सेलेक्ट किए, कॉमा 2, 0। फिर मैं वापस कॉमा करके एक और वी लुकअप, क्योंकि इस एरर में दो पार्ट होते हैं, अगर एक फॉर्मूला एरर दिया तो दूसरे फॉर्मूले को वर्क करेगा। और इस बार हमने शीट जो है D2 को सेलेक्ट कर लिया, D2 को सेलेक्ट किया, कॉमा 2, 0। तो आपने देखा कि हमने दो जो है शीट पे फॉर्मूला लगा दिया। तो मेरा जो ए फॉर्म ए जो VLOOKUP है, दो VLOOKUP एक ही सेल पे लगा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ 9 नंबर, तो ये आपका रवि आया, मतलब 9 नंबर जब दिया तो ए वाला VLOOKUP चला और रिजल्ट दिया। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5 नंबर, तो
तो 5 नंबर में पहला वी लुकअप में एरर देगा, क्योंकि पहले डी वन में 9 नंबर 5 नंबर है ही नहीं, वो 9 से है, तो ए फॉर्मूला एरर दिया, तो इस वी लुकअप को इसने रन किया, दो शीट पे हमने यूज किया। लेकिन मेरे पास एक और शीट है, शीट 3 भी है, अगर मैंने यहाँ पे 17 डाल दिया तो एन ए आएगा, क्योंकि 17 ना कि ना तो डी वन में है ना डी टू में है। तो तीसरा वी लुकअप कहाँ लगाए, क्योंकि एक इफ एरर में दो ही वी लुकअप लग सकते हैं, तीसरा तो लग नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं एक और इफ एरर लगाऊंगा, इफ एरर के पार्ट में मैं जो पहले वाला इफ एरर है वो डाल दूंगा, और इसके दूसरे पार्ट में मैं एक और वी लुकअप लगा दूंगा। वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा डेटा में गए, सॉरी डेटा में गए, और इसको सिलेक्ट करके कॉमा 2, 0, और यहां हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए 3 सीट से वी लुकअप लगा हुआ है, समझ में आया आप लोगों को? तो मैंने सिखाया कैसे, पहला हमने सिखाया कि जब हमारे पास दो अलग अलग मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो हम कैसे वी लुकअप लगाएंगे या कैसे एक्स लुकअप में यूज करेंगे। फिर दूसरी चीज में हमने बताया कि जब आपका डेटा पूर्ण माने कि पूरा ना हो, जैसे कि दिल्ली न्यू दिल्ली सुजीत कुमार सुजीत, ऐसे अगर प्रॉब्लम हो फर्स्ट अपने पूरा नेम एंड शॉर्ट नेम का, तो इस तरह का स्टार का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने बोला कि अगर आपको कुछ भी करेक्टर नहीं पता है बट इतना पता है कि 3 डिजिट का है या 2 डिजिट का है या 10 डिजिट का है या 20 डिजिट का है, तो क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग आप डिजिट के हिसाब से लुकअप कर लेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि आप जो है सीट नेम के अकॉर्डिंग कैसे डायरेक्ट करेंगे, एक ही फॉर्म कई सारे सीट पे डेटा लुकअप करना हो तो एक ही सीट से आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको बताया मल्टी लुकअप, मल्टी शीट लुकअप। अब आपकी वी लुकअप की एक और क्लास रह गई है, लेकिन आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने कल क्लास की प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो आप लोगों से जी रिक्वेस्ट है कि पहले प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वी लुकअप थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो प्रैक्टिस